विलेज में हमारे एक छोटी सी दुकान बनी है, तो वहाँ से हम ये चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं। मामी यहाँ पर बना रही हैं जी मोस्ट फेवरेट रेसिपी कुकेड। और भी बेचारी आई हुई हैं, वो भी बस ये है कि उनकी दिल आजारी होने वाली बात ही है। अल्लाह पाक उनके नसीब में होया तो इंशाल्लाह उनको भी देंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह सालन वाला रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, अफ्तारी से पहले पहले। यहाँ पर जी समोसे भी आ चुके हैं और पकोड़े भी आ चुके हैं, ये भी साथ में देंगे जी। आज की पहली जिम्मेदारी थी जी बहरीन से, ये भी हो गई। मुल्तान से सिस्टर की तरफ से राशन, ये भी हो गया। ये जी डेनमार्क से सुग्रन सिस्टर की तरफ से चार फैमिली को नकदी देनी है। और एक जो है ना बाबा जी जिसका मकान बन रहा है, रोने वाले बाबा जी, उनको भी एक यूके की सिस्टर की तरफ से नकदी देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब और आप कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। अभी शाम होने वाली है, तकरीबन 3 बजे का टाइम है। व्लॉग में अभी शुरू कर रही हूँ क्योंकि ना तैबा की कुछ तबीयत सही नहीं है, अभी भी सो के उठी है, कह रही है मैंने फिर से सोना है क्योंकि ना इसको थोड़ा थोड़ा सा ना बुखार हो रहा है। तैबा बुखार है? नहीं लग रही मुझे, बुखार है तैबा आपको? चिड़चिड़ी सी हो रही है तो कह रही है मामा मुझे दवाई गिन दिलूं। दवाई गिन? दवाई गिन नहीं, दवाई गिन नहीं। अच्छा अच्छा, नानियों में यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह लपेट रही हैं, अपने नहीं मतलब मुख्तलिफ हैं, मामी के भी हैं, छोटी खाला के भी हैं, सबके हैं, सबके हैं। सूखे हुए थे तो उतार के ला दिए हैं नानी अम्मा को यहाँ पर। नानी अम्मा करके देगी फिर हम समेटेंगे जी। अभी जा रहे हैं जी तैबा और मैं तैबा की चीज लेने के लिए। रोती जा रही थी, किसी के पास नहीं जा रही थी, जिद कर रही थी, कहती है कि मुझे ना चीज लेके दो। तो अभी चीज लेने के लिए जा रहे हैं। तैबा क्या लेना है? हाँ चीज लेनी है, शह लेनी है। चलो किधर से? अच्छा उधर से, विलेज में हमारे एक छोटी सी दुकान बनी है तो वहाँ से हम ये चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं। एक छोटा सा खोखा है तो कहती है कि वहीं से अड्डे से नहीं लेती, हालांकि अड्डा नज़दीक हो जाता है, लेकिन एक दफ़ा यहाँ से लेके गई है छोटी खाला की बेटी भी और ये भी, तो अब ये कहती है यहीं से लेनी है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बच्चों की चीज़ें हैं खेलने की और सब, तो फिर यहीं से आती है चीज़ लेने के लिए। ये देखें जी चीज़ ले ली है, अब चलें घर। ठीक है हाँ, काफ़ी खोल दूँ टोकरी। अच्छा टोकरी, टोकरी है ये फिर रही है। ठीक है ये खिलौने विलौने हैं जी, इसके साथ में पापड़ वगैरह और टाफियाँ वगैरह। चलें आ जाओ जी। जी सारी खा गई हो? हाँ। किधर है? बस टोकरी बचा के फिर रही है, बाकी सारी चीज़ें जो है ना बांट दी है। और बड़ी खाला यहाँ पर आ गई है जी सब्जी काटने के लिए, और खीर पेड़े काटे जा रहे हैं। यहाँ पर मामी ने और बड़ी खाला ने अपने अपने किचन में अफ्तारी के लिए सामान बनाना स्टार्ट कर दिया। मामी यहाँ पर बना रही हैं जी मोस्ट फेवरेट रेसिपी कुकेड, चिकन बिरयानी कुकेड बना रही। और बड़ी खाला क्या बना रही हैं ये पता करते हैं जी बड़ी खाला से। हाँ अजान देने वाला मुर्गा है जी। कुकेड और आलू बना रही हूँ। आलू बना रही हैं? अच्छा मैंने कहा शायद बिरयानी बना रही हैं। नहीं ये कैसे आज हो गया कि आपने कुकड़ और आलू दोनों को आपस में मिक्स कर दिया? पता क्या है, अपने बारे में नहीं सोचना है ना खाली। अच्छा सबके बारे में सोचना है, इसलिए जो है ना बस यही डिसाइड मैंने किया है, क्योंकि आपको पता सहरी भी देनी पड़ती है, अफ्तारी भी देनी पड़ती है, फिर खाना वगैरह देना पड़ता है। अब किसी को चावल अच्छे लगते हैं और किसी को चावल नहीं अच्छे लगते ना, और वैसे भी अफ्तारी टाइम ना। स्पेशली क्या होता है हमारे कारी साहब को जो है ना उनको राइस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए सबका ध्यान मुझे रखना पड़ता है। चलिए और आप क्या बना रही हैं? आप भी दिखाइए। खीर पेड़े चकोतरे आप जानते हो? हाँ 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 मैंने देखा था आपको काटते हुए, ठीक हो गया जी, वो भी मैंने दिखाए थे यहाँ पर बन रही है। चलें मामी हम नमाज अदा करके आते हैं और फिर जो हम बहरीन से और जो राशन आया हुआ है हमारे बहन भाइयों की तरफ से, जो मुल्तान से दो सिस्टर की तरफ से 2 राशन आए हुए थे और 9 राशन बहरीन से आए हुए थे, तो वो आके फिर पैक हो गए हैं, वो भी लोड होके आ रहे हैं। तो जैसे पहुँचते हैं
तो वो इंशाल्लाह फिर देते हैं, ठीक है। हम भी अपना काम कर लेते हैं, आप भी जाके नमाज अदा। हाँ, और उन खवातीन को खास तौर पर बुला लें आप। चलो ठीक है, मैं बुलाती हूँ। ठीक है, अलहमदिल्ला जी राशन लेकर आ चुका हूँ और राशन को तरतीब भी अलहमदिल्ला लगा दिया, नीचे चटाइयाँ बिछा कर अभी खवातीन का इंतजार कर किया जा रहा है। कुछ खवातीन अलहमदिल्ला आ चुकी हैं और कुछ खवातीन जो है वो अभी आ रही हैं। हाँ, आज का जो राशन है वो बहरीन से हमारे एक भाई हैं एम इसाक, उनका नाम है मोहम्मद इसाक, उनकी तरफ से 9 घरों के लिए राशन का इंतज़ाम किया गया है। अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकतें अदा करें। और एक हमारी सिस्टर हैं जी मुल्तान से, ये 2 राशन जी सेम उनकी तरफ से हैं, ये भी गरीब फैमिलीज़ के लिए, तो सबके लिए जी दुआ करवाते हैं। अभी ख़वातीन का इंतज़ार हो रहा है, जैसे ही ख़वातीन आती हैं फिर राशन तकसीम भी करते हैं, देते भी हैं उनको और फिर सबके लिए दुआ भी करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ख़वातीन थी वो आ चुकी हैं, तो अभी मैं उनको बिठाने लगी हूँ। मैंने कहा आप बैठ जाओ ताकि मुझे भी पता चले, और भी बेचारी आई हुई हैं, वो भी बस ये है कि उनकी दिल आज़ारी होने वाली बात ही है। अल्लाह पाक उनके नसीब में होया तो इंशाल्लाह उनको भी देंगे हम। तो बस अभी आप बैठो, ऐसे करके बैठना, बेचारी देख रही है कि कैसे बैठना, इधर ऐसे बैठना, बैठते जाएं जी सब, बैठ जाएं बैठ जाएं। जिनको बुलाया था नानी अम्मा लाडो खाला और मामी ने मिलकर गरीब घरों की ख़वातीन जो है उनको सेलेक्ट किया था इस राशन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी सब आ चुकी हैं। मैं फिर तफसील बता दूं जी सबको, जो 9 राशन है ये हमारी बहरीन से इसहाक भाई है, मोहम्मद इसहाक उनका नाम है, उनकी तरफ से हैं, और 2 राशन हमारी मुल्तान की एक सिस्टर हैं उनकी तरफ से हैं। जो पीछे ख़वातीन बैठी हैं 2 राशन वो उनकी तरफ से हैं, बाकी जो 9 राशन हैं वो मोहम्मद इसहाक भाई हैं हमारे, उनकी तरफ से हैं। तो उनके लिए जी सबसे पहले जो तमाम सिस्टर्स और माओं से रिक्वेस्ट है कि बहरीन के भाई के लिए मोहम्मद इसहाक भाई के लिए ढेर सारी दुआ कर दें, और साथ में जी हमारी मुल्तान से जो सिस्टर हैं उनके लिए भी ढेर सारी दुआ कर दें कि अल्लाह पाक इन सब के रिस्क में बरकतें अता करें, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें, अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकतें अता करें, उनके घर में खुशहाली और रौनक अता करें, और अल्लाह पाक मज़ीद उन्हें तौफीक दे गरीब ख़वातीन गरीब लोगों में रिस्क बांटने की, अल्लाह पाक की नेमतें बांटने की। तो ढेर सारी दुआ कर दे जी, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन। हेलो अमीन, हेलो अमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो सब ने जब भी राशन को इस्तेमाल करना है अपने घरों में किचन में, इससे रोज़ा अफ्तार करना है या बच्चों को खिलाना है, तो ख़ास तौर पर मोहम्मद इसहाक भाई और मुल्तान वाली सिस्टर के लिए खसूसी दुआ करनी है। अल्लाह पाक आप सब लोगों के घरों में और रिस्क में बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह पाक आप लोगों के को भी ढेर सारी खुशियां अता करे। तो उनके लिए ढेर सारी दुआ करती रहनी है जी। जज़ाकल्ला खैर, आप लेके जा सकते हैं। जज़ाकल्ला अल्हम्दुलिल्लाह सालन मेरा रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, अफ्तारी से पहले पहले, क्योंकि फिर जो है ना कारी साहब अफ्तारी में जो है ना रोटी खाता है, ये बड़ी अच्छी बात है। हम लोग पानी पीते हैं, समोसे खाते हैं, तो पेट जो भर जाता है फिर रोटी खाने का दिल भी नहीं करता। कारी साहब जो है ना अफ्तारी के टाइम जो है ना वो रोटी खाते हैं और सही रह जाता है इंसान ना। अब मैंने भी यही सोचा है कि अब मैं भी ना अफ्तारी के टाइम रोटी ही खाऊंगी। और लाडो खाला ने यहाँ पर जी कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे के ऊपर, अभी लाडो खाला फ्राई करने लगी हैं रोल और साथ में समोसे। जो भाई बैठे हैं इतकाफ में उनके लिए स्पेशली समोसे और रोल भी साथ में फ्राई किए जा रहे हैं। क्या हो गए सारे फ्रूट? अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए। ये कारी साहब के? हाँ जी कारी साहब के। चलें जी आप सारी के सारे फ्रूट 2 थाल और लाओ, वहाँ से 2 थाल लाओ। बिल्कुल रेडी हो गए। हाँ थोड़े से ना मतलब ज्यादा प्लेटों में डाल के दिया करें ताकि वो आसानी से बैठ सकें। ये उनके लिए प्लेटों में देंगे आप? नहीं, प्लेटों में नहीं दे रही, थालों में दे रही हूँ। अच्छा, प्लेटों में दो। मेरे ख्याल में प्लेटें हर किसी के अलग अलग प्लेट बन जाए वो सही है। सही है जी। हाँ
अच्छा, अभी इफ्तारी का सामान लगाना स्टार्ट कर दिया है और इतकाफी भाई जो हैं वो उस्ताद मोहतरम का दिया हुआ सबक याद कर रहे हैं अंदर। मतलब हाँ, ये भी अच्छी चीज़ है। मैंने उस्ताद मोहतरम को कहा कि जो हमारे भाई और जो बच्चे इतकाफ में बैठे हैं उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ सिखाएं जिनका उनको इल्म नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत मतलब सीख जाएंगे इन चीज़ों को, तो आगे ज़िंदगी में उनके काम आएंगी, तो बहुत अच्छी बात है। वो भी मैं गया हूँ अंदर तो वो चीज़ें याद कर रहे हैं जो उस्ताद ने सबक दिया है। तो भी बर्तन वगैरह इसी तरह जो है ना लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तारीख का सारा जो जो चीज़ें होती हैं फ्रूट्स लेकर आ गया हूँ, ये गिलासेस भी आ गए हैं, अभी पानी जो है बनाया हुआ है ऊपर से का या टैंक का या शायद लेमू पानी है वो भी लगाते हैं। काई साहब को भी उधर दिया जा रहा है सामान और इधर जो है ना जो एतकाफी भाई है उनका लगाया जाएगा। आज की पहली जिम्मेदारी थी जी बहरीन से, ये भी हो गई। मुल्तान से सिस्टर की तरफ से राशन ये भी हो गया। ये जी डेनमार्क से सुग्रन सिस्टर की तरफ से चार फैमिली को नकदी देनी है, और एक जो है ना बाबा जी जिसका मकान बन रहा है रोने वाले बाबा जी, उनको भी एक यूके की सिस्टर की तरफ से नकदी देनी है। तो जल्दी जल्दी जी पैक करते हैं और उस बाबा जी को भी दे के आते हैं, और यहाँ पर ख़वातीनों को मामी लोगों को बोल दिया वो बुला रहे हैं, तब तक जो ना रेडी करते हैं और ख़वातीन में तकसीम करते हैं। यहाँ पर जी समोसे भी आ चुके हैं और पकोड़े भी आ चुके हैं, ये भी साथ में देंगे जी इफ्तार वाले, इफ्तार के लिए तकाफ वाले भाइयों को। मामी जल्दी करें, शाम हो रही है। बस हो गया, उन सिस्टरों को बुला लिया जिनको देने हैं पैसे। बुला लिया। चलें जी, पैसे भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं तो उनको भी दे दें, और फिर बाबा जी के पास भी जाना है, जल्दी करें जरा। बस हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह जी सारी खवातीन आ चुकी हैं। और ये जो रकम है ये डेनमार्क से हमारी एक प्यारी सिस्टर हैं जिनका नाम सुग्रा सिस्टर है, उनकी तरफ से ये चार खवातीन के लिए मामी रकम सब में बिस्मिल्लाह पढ़ के तकसीम कर दें जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इफ्तारी का टाइम हो गया और चारों को रोज़ा भी है जी। तो हाथ उठा के ना इफ्तारी में से ये देखें 20 मिनट रहते हैं, हाथ उठा के ढेर सारी दुआ कर दें सुग्रा सिस्टर के लिए, अल्लाह पाक उनकी दी हुई रकम अपनी बारगाह में कबूल करे, और अल्लाह पाक उनको और तफीक दे कि वो गरीबों में बांटें, अल्लाह पाक उनके रिज्क में उनके कारोबार में बरकतें अता करें, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें, और अल्लाह पाक उनके घर में ढेरों खुशियां अता करें, उनकी दिल की तमाम मुरादें पूरी करें, उनके लिए ढेर सारी दुआ कर दें। अल्लाह आमीन। अल्लाह आमीन। अल्लाह आमीन। उनके लिए बाद में भी ढेर सारी दुआ करते रहिएगा, जब भी रोज़ा अफ्तार कीजिएगा रोज़े अफ्तार के वक्त उनके लिए ढेर सारी दुआ ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, जज़ाकअल्लाह। रोज़ा अफ्तार करने के बाद नमाज अदा करके वापस आ चुके हैं और तैबा के साथ मामी यहाँ पर खेल रही हैं। तैबा क्या हुआ? तैबा को ना बिल्ली कह रही है मेरे नोजी को काट जाएगी। कैसे काटेगी बिल्ली? ऐसे काटेगी। अल्लाह करने के लिए नहीं गई आज? अल्लाह करने के लिए नहीं गई मेरे साथ? हाँ, अंदर मना है। अच्छा, अंदर मना है। चलो। अच्छा मामी जी, मामू आ गए। मामू चलो चलो जाएं, चलें आ जाओ। चलें फिर, दो बाइक खींचे, मुस्तफा भी को भी साथ लेके चलें। नहीं, इसको नहीं, इधर रहने दो। चलें ठीक, रात का टाइम ठीक है, अभी आ रहे हैं। आप इधर रहो, हम आ रहे हैं अभी। हैं ठीक है मामी, चलें चलो। अल्हम्दुलिल्लाह जी बाबा जी के घर पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं माजी? तबीयत से ठीक है? बाबा जी किधर गए हुए हैं? नमाज पढ़ने के लिए। चलें जी, माशाल्लाह आजान होने वाली ना, तो पहले चले गए। 7:29 हो गए, बस अभी होने वाले 5 मिनट रह गए। चलें जी, यूके वाली सिस्टर की तरफ से आपके लिए अमानत आई हुई थी, 2-3 रोज हो गए हम कोशिश कर रहे हैं आने की, लेकिन जो ना आ नहीं पाए, तो ये लें, ये उनकी तरफ से अमानत आपके लिए। हाथ उठा के उनके लिए ढेर सारी दुआ कर दें कि अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत अता करे, अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे, उनकी पूरी फैमिली के लिए दुआ कर दें,
उनके मरहूमीन जो कि इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए हैं, रमज़ान पाक के सदक़े, इस बाबरकत महीने के सदक़े अल्लाह पाक उनकी मगफ़िरत फरमाए और उनके रिज़्क में बरकत के लिए दुआ कर दें ढेर सारी। अल्लाहु अमीन, अल्लाहु अमीन, अल्लाहु अमीन। अम्मा जी खुश हैं, आपका मकान माशाल्लाह बन गया है, वॉशरूम भी बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मकान आप लोगों को अभी अंधेरा है लेकिन दिखा देते हैं, मतलब छत वगैरह हर चीज फाइनल हो चुकी है, सिर्फ प्लास्टर करने वाला रहता है। अंदर से कुछ जो है ना प्लास्टर हो गया है माशाल्लाह जी। बैक साइड भी हो गई, हाँ बैक साइड भी हो गई, ये साइड होगी, बस धारे रहती है और वो अलमारी बनना रहती है। बाबा जी को हमारा सलाम दीजिएगा। फ्रंट की ना मेरे ख्याल में तीन लगे हैं ना, बस ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह पाक नसीब करे। आमीन आमीन। जय अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाबा जी के घर से जो ही वापस आए तो अजान हो गई थी, फौरन चले गए थे नमाज पढ़ने के लिए, जमात का टाइम हो गया था, नमाज अदा की, तरावियाँ पढ़ी, फिर आ गए जी घर वापस। और अभी लाडो खाला तो अंदर है मेरे ख्याल में, छोटी खाला लाडो खाला वो अंदर खाना खा रहे हैं, नानी अम्मा बाकी तो सबने खा लिया है, हाँ। अम्मा ने भी खा लिया है खाना, अम्मा अब जो है ना दवाइयाँ खा के और तस्बीह अभी जो है ना इसमें रखी है, और अम्मा जो है ना हर चीज़ अपना बहुत सेफ रखी है, बिल्कुल ये अपने पास रखती है ना, जो और अम्मा की चीज़ रखी हुई हमें मिलती नहीं है अम्मा, कभी कभी तो नानी अम्मा को खुद भूल जाती है कि मैंने रखी कहाँ थी, भूल जाती है ना मेरी प्यारी अम्मा, अल्लाह पाक मेरी अम्मा को लंबी जिंदगी दे, आमीन आमीन। हमेशा अपनी माओ से प्यार करें, हमेशा अपने बाबा जान से प्यार करें, क्योंकि ये बहुत अनमोल जो है ना हमारे लिए तोहफा है, ये अनमोल दौलत है, पैसों से इंसान अमीर नहीं होता, मैं समझता हूँ वो कह रही हूँ हमारे लिए बहुत अनमोल ये तोहफा है, क्योंकि ये जिनके पास है उनको आजकल के दौर में ना उनको कदर ही नहीं, कदर नहीं है। पता है क्या, जो अमीर होते हैं ना, एक माँ बाप के 8 बेटे होते हैं उन वो सारे अमीर होते हैं, और एक बेचारा गरीब होता है, और कुदरती तौर पर जो बेटा गरीब होता है माँ बाप उसके साथ होते हैं। तो मैं इस बात को ये समझता हूँ कि वो समझते हैं शायद हम दौलतमंद हैं, लेकिन जिस गरीब बेटे के पास माँ बाप होता है ना वो सबसे ज्यादा दौलतमंद होता है। अपने अम्मा अब्बा का ख्याल करें, घर में प्यार मोहब्बत से रहें, सबके साथ बना के रखें, हाँ, गया वक्त हाथ नहीं आता, बाद में सिर्फ पछतावा इंसान को रह जाता ये है, बहुत थोड़ा सा वक्त है, अल्लाह को राजी कर लें, क्योंकि ये बहुत वैसे समझें कि अब तो माशाल्लाह से रोजे हो गए ख़त्म और थोड़े से रोजे रह गए, कितनी अल्लाह पाक से जो कुछ मांगना है दुनिया भर भर के मांग लो, क्योंकि अल्लाह पाक कहता है जो इस पाक महीने में जो कोई मांगता है मैं हर दुआ कबूल करता हूँ, बेशक। तो सब बहन भी दुआ करें, मेरा दिल तो बड़ा दुखी हो रहा है, क्योंकि अब जो है ना रमज़ान ख़त्म होने वाला है, पता नहीं कब हमारी फिर अगले रमज़ान शरीफ तक हमारी ज़िंदगी है नहीं है, ज़िंदगी का तो कुछ भी पता नहीं है, एक पल का भी पता नहीं है, बेशक। तो बस अम्मा के साथ वही बात कर रही थी, अभी तो सिर्फ चांद ही रोज़े रह गए, 6 रोज़े रह गए, बिल्कुल। हर घर में रौनकें लगी रहती हैं माशाल्लाह, हर किसी के घर में रौनकें होती हैं रमजान में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के घर में होती है। तो मैं ये समझती हूँ मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, कि मेरे घर में माशाल्लाह से बहुत ज्यादा रौनक होती है अल्हम्दुलिल्लाह, हम सिर्फ जो है ना ऐसे समझे एक आधा घंटा सोते हैं, नहीं तो सोने वाला तो काम हमारा है नहीं, सारा दिन जो है ना भागा दौड़ी होती है, और वक्त का हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि हम भले रोज़े के साथ ही होते हैं ना, तो अगर किसी दिन नहीं भी होती ना अफ्तारी तो हमें ऐसा महसूस होता है कि पत्नी आज क्या है, हमारा घर सोना सोना है। तो बस यह है कि हमारे दिल को खुशी होती है, सबको खाना खिलाते हैं, जिन बहन भाई बेचारे रोज़ा नहीं रख सकते उनके लिए हम अफ्तार करवाते हैं, और फिर से कह रही हूँ जिन बहन बहुत चंद रोज़े रह गए हैं अगर जो बहन भाई इफ्तारी करवाना चाहे तो मोस्ट वेलकम, हम बहन भाइयों के लिए बैठे हुए हैं, उनके लिए हम हाजिर हैं, जैसे हमारे बहन भाई बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। तो बस इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर क्या करें, मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।